Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well and also continuing your studies. In last video, I have discussed about one organelle that is ribosomes. Now, in this video, I will discuss about one important component present in the cell that is cytoskeletal structures. So, let us start the class. So, students, today I am going to discuss about another important component present inside the cell that is cytoskeleton structure. As the name suggests, cytoskeleton means the skeletal structure present inside the cell. Exactly, these cytoskeleton structures are small, fibrous, and tubular structures. च फॉर्म्स द्रक्चरल फ्रेमवर्क इन साइड द सेल सिमिलर टू दैलेटन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बींग्स जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्केलेटन है वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है सिमिलरली दिज साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर फॉर्म्स दी फ्रेमवर्क इन साइड द सेल एंड दिज साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स ऑकर्स ओनली इन यू कैरेटिक सेल्स These are absent in prokaryotic cells. The cytoskeletal structures are of three types microfilaments, intermediate filaments, and microtubules. Now, the first type of cytoskeletal structure is microfilaments. These microfilaments are long. नैरो प्रोटीन फिलामेंट्स पतले और लंबे प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन यूकेरटिक प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स दिज माइक्रोफिलाेंट्स आर एग्जैक्टली मेडअप ऑफ अ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टीन एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दीज एक्टीन प्रोटीन्स फर्स्ट गेट पॉलिमराइज एंड फॉर्म्स चेन

प्लास्ट हैं जो ऑर्गेनल्स हैं उसके साथ भी एसोसिएटेड ये हो सकते हैं साथ ही साथ दिज माइक्रोफिलाेंट्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ स्पिंडल फाइबर्स नाउ वॉट इज दिस स्पिंडल फाइबर्स स्पिंडल फाइबर्स आर द स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन एंड दे आर एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन दिज माइक्रोफिलाेंट

सो इन हाइयर यू कैरियॉर्ट्स दिस कॉन्ट्रेक्टाइल मशीनरी इज प्रेजेंट इन मसल सेल्स जिसकी वजह से हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं एंड इफ वी विल टॉक अबाउट इन लोअर एनिमल्स दिन दीज कॉन्ट्रेक्टाइल मशीनरी विच इज़ मेडअप ऑफ माइक्रोफिलिन्स एंड मायोसिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन अमीबा विच हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन एंड डिसअपियरेंस ऑफ सीडोपोडिया इसके अलावा ये माइक्रोफ़िलामेंट्स जो है मायोसिन प्रोटीन के एसोसिएशन में कॉन्ट्रेक्टाइल मशीनरी जो बना रहे हैं दे आर प्रेजेंट इन माइक्रोविलाइज माइक्रोविलाइज विच आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ आवर इंटेस्टाइन तो वहाँ जो माइक्रोविलाई है उसके मूवमेंट में भी ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल मशीनरी है माइक्रोफिलामेंट्स का बना हुआ वो प्रेजेंट होता है और उसके मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है नेक्स्ट

Now, this intermediate filament, according to the type of cells in which these intermediate filaments are present, according to the intermediate filaments, they are of four types. That means type of cells in the intermediate filament are present that means, intermediate filaments, are four types. First is keratin filaments. Keratin word comes from the keratin protein, and this keratin protein is present in skin. So this shows that this keratin

नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं एस्टरोसाइट्स। तो इन एस्टरोसाइट्स में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं दो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज ग्लियल फिलामेंट्स। और द फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इज हेट्रोजेनस फिलामेंट्स, एंड दिस हेट्रोजेनस फिलामेंट्स आर फाउंड इन मसल्स द थर्ड टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर इज माइक्रोट्यूब्यूस as you can see in the diagram these microtubules are the unbranched hollow tubes and they are made up of tubulin protein two types of tubulin protein that is alpha tubulin and beta tubulin these microtubules are present in cytoplasm and along with the site in the presence of cytoplasm they are also present in centrioles in the basal body of cilia and flagella sperm tail spindle apparatus etc basal body basal body of cilia and flagella cilia and flagella are the structure which helps in the movement of prokaryotes and they remain attached with the cell with the help of basal body so that basal body also contains microtubules microtubules are also present in a sperm tail and along with this these microtubules are present in centrioles and spindle apparatus means it is present in those structures which is involved in the cell division means centrioles as you know that centrioles and spindle apparatus are very much important for cell division so microtubules also take part in cell division by forming a spindle fiber

these chemical can prevent the assembly of microtubule and it also prevents the spindle formation and this stops cell division also now the function of cytoskeleton the first function of cytoskeleton is it functions in or it helps in cell division by the formation of spindle fiber second function of cytoskeleton is that it helps in movement of microvilli मीन्स जो माइक्रोफिलाईज प्रेजेंट है हमारे इनर वॉल इंटरस्टाइन के इनर वॉल में उसकी मूवमेंट में भी साइटोस्केलेटन जो है वो हेल्प करते हैं कौन से साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द एसोसिएशन ऑफ माइसिन वेयर फॉर्मिंग कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स और कॉन्ट्रेक्टाइल मशीनरी विच वॉज हेल्पिंग इन मूवमेंट ऑफ माइक्रोफिलाई

उस मूवमेंट में भी साइटोस्केलेटन हेल्प करते हैं बिकॉज देयर आल्सो माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला टिल देन स्टे होम स्टे सेफ यूज मास्क यूज सैनिटाइजर एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग हैव अ नाइस डे